हेलो गाइस, वेलकम टू MYF एकेडमी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो गाइस, आज से एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है MYF की पाठशाला। तो आज की इस पाठशाला में हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और करेंगे कब। तो चलो दोस्तों, जानते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या? तो दोस्तों, दो शेयर मार्केट है, दो वर्ड को मिलाकर बना है। पहला वर्ड क्या है? शेयर। शेयर मतलब होता है क्या है? हिस्सा। वो हिस्सा जो बेटा बाप से मांगता है, किसमें? जायदाद में, पैसे में, जमीन में, वही हिस्सा शेयर। मतलब लोग क्या समझते हैं, शेयर ले लिया मतलब कंपनी को खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर मतलब कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा को आपने लिया है, राइट। उसके बाद आते हैं मार्केट का मतलब क्या है। मार्केट मतलब है बाजार। जैसे होते हैं ना, सभी टाउन में, सिटीज में, विलेज में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है। तो इस मार्केट में किसी सामान को या सर्विस को खरीदा या बेचा नहीं जाता है, इस बाजार में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, राइट। तो इस प्लेटफॉर्म में कौन आते हैं? बड़े बड़े कंपनीज आते हैं अपने शेयर बेचने के लिए, और इन्वेस्टर जाते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जाते हैं शेयर खरीदने के लिए। और दोस्तों, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग जान चुके होंगे कि शेयर मार्केट है क्या। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शेयर मार्केट करना क्यों चाहिए, वाई। तो मजे की बात यह है दोस्तों, अब सभी शेयर मार्केट करते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? अगर कोई आप बैंक से जुड़े हुए हैं, या म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, या इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, जब हमारा पैसा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग करें, है कि नहीं। तो दोस्तों, अब बताते हैं करना कैसे है। सिंपल, बस डीमैट अकाउंट खोलिए, फंड डालिए, ट्रेड कीजिए और एक दिन में अमीर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यही कारण है शेयर मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। इसको करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है जो सभी को फॉलो करना चाहिए। तो सिस्टम क्या है? पहले कोई एक प्रोफेशनल एकेडमी से इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो सीखे हैं उसको पेपर में प्रैक्टिस करें, जिसे कहते हैं पेपर ट्रेड। उसके बाद कुछ छोटा सा फंड लगाकर, जैसे 10,000 to 15,000 लगाकर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखे। उसके बाद दोस्तों, मार्केट खुला है आपको हजारों लाखों देने के लिए। बस याद रखिए, ये इसके बाद भी दो चीजों को मत भूलिएगा, जिसे मैं बोलता हूं शेयर मार्केट का DP, D4 डिसिप्लिन, P4 पेशेंस। अगर ये नहीं रहा तो आप जितना अच्छा सीख ले दोस्तों, कमा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि कब से आप शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन। तो बता दूं दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, ना एज को लेकर हो,
ना प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई रिटायर्ड पर्सन हो, आपके मां की या पिताजी के उम्र के लोग हो, कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती यही है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं, जानते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो दोस्तों आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मजेदार शेयर मार्केट की जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अरे 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 दोस्तों रुक जाओ, आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।